आजमगढ़ जनपद में अंग्रेजी शराब और बियर देशी शराब के सरकारी ठेके इस समय अपराधियों के निशाने पर है। पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें शराब की दुकानों पर या तो शराबी किसी न किसी बहाने से उत्पात करते हैं या फिर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। पिछले दिनों जहानागंज थाना क्षेत्र में चिरैयाकोट के समीप और गोधौरा में इसी प्रकार की घटना सामने आई थी। चिरैयाकोट के समीप या तो पेट्रोल पंप के पास मारपीट हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल भी हुआ था। वहीं गोधौरा में या तो मुख्य मार्ग जो कि आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग है, सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार इस मार्ग से 100 मीटर की दूरी पर सिवान में देशी अंग्रेजी शराब व बियर की दुकान आसपास स्थित है। वहीं आपको बताते चले कि 22 अक्टूबर की रात में सेल्समैन अंदर सोया हुआ था, तभी मोटरसाइकिल से पहुंचे अपराधियों ने सेल्समैन को बाहर निकालने की कोशिश की। वह नहीं निकला, तब अपराधियों ने सुराख में मिर्ची, धुआं और दम घुटने की कोशिश की। सेल्समैन आखिरकार बाहर निकला, तब उस पर हावी हो गए। मारपीट कर ठेके पर रखी बिक्री के 18,000 रुपए और शराब की बोतलों को लूट कर वापस चले गए। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी वीडियो आज भी लिए हुए हैं। मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, अभी थाना जहानागंज में एक घटना 22 तारीख में घटित हुई है, जिसमें वहाँ पे एक देसी शराब की दुकान है, एक इंग्लिश शराब की दुकान है और एक वहाँ पे बियर की दुकान थी, जो कि माननीय है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये जो दुकानें हैं वो मेन रोड से दूर बनाई गई है, करीब 100 मीटर अंदर, और थोड़ी सुनसान जगह में थी। वहाँ पर कुछ लोग, अपराधी लोग वहाँ पर आए थे और उनके द्वारा कुछ इस तरह का जो जहरीली जो गैस है उसके अंदर, जैसे उसमें मिर्ची, या मुझे लगता है इस तरह की जो चीज़ें जानकारी मिली कि मिर्ची का जो पाउडर है उसको जला के और इन लोगों के द्वारा उसके अंदर डाला गया। उसके बाद में जो आदमी बाहर निकला है तो इन लोगों ने उसमें से जो उसके पास में करीब 18,000 रुपये थे वो उससे लिए हैं और कुछ शराब की जो बोतलें हैं वो निकाली गई है। इसकी हम लोग जाँच, इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो हमारी SOG टीम है और थाने की टीम है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में, इसमें हमने लोगों ने लगाई है। कुछ लोगों को अभी इसमें जानकारी मिल रही है कि उसमें मोटरसाइकिल से ये लोग आए थे और इन लोगों के द्वारा इस तरह की घटना की गई, जिसमें CCTV और ये सारी चीज़ों की जांच करके और कार्रवाई की जा रही है। जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।